हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई अभी हम देखेंगे एनिमल का ऑफिशियल ट्रेलर और इसमें है रणवीर कपूर, रश्मिका एम और अनिल के और बॉबी डियोल। अच्छा, इसका बड़ी शोर मचा हुआ था, धूम मची हुई थी, सब आप लोग कह रहे थे एनिमल देखो एनिमल देखो। पता नहीं, एनिमल से तो लग रहा है कोई जानवर की मूवी है, मतलब कोई कन्वर्ट होके, जैसे होते ना वियर वुल्फ या कुछ, मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, हो सकता है टोटली डिफरेंट हो। अभी मैं को ऐसे लगा अभी एनिमल एनिमल का मतलब कि वो कन्वर्ट हो जाएगा वियर वुल्फ में, पर मुझे लग नहीं रहा ये स्टोरी हो, क्योंकि अभी उसकी आई थी ना, वो कौन था, डेविड धवन का जो बेटा है शायद, उसने उसी टाइप की को तो एक मूवी की थी जिसमें वो वेयर वुल्फ बनता है। तो आई थिंक ये कुछ और ही होगा, पर इंटरेस्टिंग होगा पता करना कि एनिमल जो है ये नाम क्यों दिया है। तो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं, ट्रेलर देखते हैं। अब काफ़ी टाइम हो गया कि कोई ऐसी मूवी हो जिसको देख के वाकई में मन करे बोलने का वाओ, मतलब एंटरटेनमेंट टाइप की। अब जैसे सैम बहादुर है, वो उस टाइप की दूसरी टाइप की मूवीज़ हैं, राइट? तो कोई ऐसी हंसी मजाक की फुल ऑन एंटरटेनमेंट भी हो और देखने में भी मजा आ रहा हो, सेंस भी बनाए, उस टाइप की कोई मूवी देखने का बहुत मन कर रहा है कि भाई हाई टाइम हो गया है कि कोई ऐसी मूवी अब बने और मजा भी आए और देख के लगे कि हाँ इसमें इंजॉय करेंगे। तो आई एम होपिंग ये वाली मूवी वैसी ही हो। या एनिमल का मतलब कुछ स्टैंड फॉर समथिंग होता होगा, ए डॉट ओ एन डॉट आई डॉट एम डॉट ए डॉट एल होगा, क्या पता। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर, चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे तो चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा। आपको याद है फिफ्थ स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था बॉम्बे में। यू न्यू व्हाट अ बिग फैन आई वाज ऑफ माइकल जैक्सन। मेरे सारे दोस्त जा रहे थे पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। उसी दिन को रिप्ले करते, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, शिद्दत से करना पापा, मेरा एक ही मौका है। ओके, ये क्या हो रहा है? एक्शन पापा। पापा, 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 सुनाई दे रहा है? बेरा नहीं हूं मैं। He adores you. तो उसके लिए सुपर हीरो। दिन में 10 मिनट भी नहीं दे सकते अपने बेटे को। अब कटमा है, पापा को छोटे बाल वाला हेयरस्टाइल पसंद है। नाइस हेयरकट, पर तुम लंबे बालों में भी अच्छे लगते हो। I'll grow it again, पापा। जब तू वापस आया मैं कितना खुश था, पर तूने जंग शुरू कर दी। सब मर गया है वो। टाइम बताएगा। मेरे पापा के लिए मेरा प्यार फेल है, पास है या दुनिया में सबसे फर्स्ट है। मैंने बोला था ना ज्योति, क्रिमिनल है हमारा बेटा। के लिए प्यार चोक नहीं रोग है। I really wish you died that day. अब मैं वापस आ गया दादाजी, कहीं जाऊंगा। कौन है दादा? जिसने भी पापा पर गोली चलाई, बलबीर सिंह पर गोली चलाई, मैं वादा करता हूं अपने हाथ से गला काटूंगा उसका। करने से पहले मुझसे पूछा होता, अब से 100 चीजें करूंगा पापा। हर बार आपकी परमिशन नहीं दे सकता। मैं गो से लड़ता नहीं, उन्हें खा जाता हूं। आज के बाद एक खरोच भी आई है, दुनिया चला दूंगा पापा। ये भी वो सब कुछ ही मिटा देंगे, वो सारे होश गवा देंगे। अगर तुझे हो गया कुछ, सारी दुनिया जितनी बार हुए पप्पा को
क्या कर रहा है? अच्छा उसको ऊपर लेटा हुआ है भैया इस मूवी पे क्या बोले हमें तो समझ नहीं आ रही। मैं इतना कह रहा हूँ कि ये मूवी अच्छी लग रही है लग रही है, मैं तो कंफ्यूज हो गई भैया ये टिपिकल जो मूवी बनती है वैसी नहीं है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है, इंटेंस दिखाया है बंदे की ऑब्सेशन, मुझे तो ऑब्सेशन दिखा है इसमें भैया। कोई जो भी है, नॉर्मली मेरे को मूवीज अच्छी नहीं लगती मगर दिस इज लुकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अच्छा मैं तो बहुत ही साधारण जो टिपिकल मूवी नहीं है, अपने तरफ से उन्होंने कुछ एंगल निकाला है, अपने तरफ से कोई स्टोरी है, एक्टिंग बड़ी इंटेंस थी, बहुत ही ज़बरदस्त इंटेक्स की है रणबीर कपूर ने, और अनिल कपूर की भी एक्टिंग अच्छी लग रही है, बॉबी डियोल की भी एक्टिंग अच्छी लग रही है, एक्टिंग इज़ वेरी गुड ऑल ऑफ देम। लगा नहीं कि कोई ऐसे ही बना रहा है, बहुत ही इमोशन से हर एक बंदे ने किया है चोटें, उसका जो मेकअप बहुत अच्छा था, पूरी आँख फुला रखी थी, ट्विस्ट बहुत दे रखा, उसी ने बोलोगे चिल्लाना कैसे, पेरेंट जो है बच्चे पे इतना नहीं करता मगर बच्चा अपने पेरेंट को बड़ा अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही जो एंगल दिखाया है इट इज़ लुकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लुकिंग वेरी गुड। एक्चुअली ये हिट होने का चांस बहुत ज़्यादा है इसका। वाह मैं पता है मैं वेरी गुड, मैं तो ये एंगल जो था वो बहुत डिफरेंट दिखा कि बच्चा अपने फादर से इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि ऑब्सेशन तक जा चुका है वो उसका प्यार कि फादर के साथ, और फादर जो है वो इतना परवाह नहीं कर रहा बच्चे की, वो बच्चा फादर को बाल अच्छे बड़े नहीं अच्छे लगते तो बाल कटवा रहा है, अगर फादर कह रहे हैं ना तू लंबे बालों में भी अच्छा लगता है तो वो कहता है मैं लंबे कर, मतलब वो किसी भी तरह अपने फादर से कुछ प्रेज सुनने की कोशिश में है, मुझे ऐसे लगता है वो उसमें है और उसको वो प्रेज मिल ही नहीं रही, और ऐसे लग रहा है फादर को पता ही नहीं है कि बेटा जो है हमारा गलत रास्ते पे जा चुका है, और जैसे बोलते हैं ना कि गुंडा या टेररिस्ट या कुछ उस टाइप से बन चुका है गुंडा मवाली, और जब उसको पता चलता है फादर को तो वो ऑब्वियसली बहुत परेशान है ऐसे लग रहा है। आई एम होपिंग कि वो खुद नहीं हो, क्योंकि जब वो डायलॉग बोला तो उसे तो लगा कि अनिल कपूर तो अच्छा होगा, और ऐसे लग रहा है कोई फैक्ट्री फुक्ट्री है क्योंकि वो जो यूनिफॉर्म से पहले मुझे लगा शायद जेल है, पर मैंने कहा जेल का तो ऐसा पर पता नहीं लगा नहीं, फिर मुझे लगा शायद उनकी कोई अपनी फैक्ट्री है क्योंकि उसमें उस टाइप का निशान भी बना हुआ था वहां पर, स्वास्तिका बना रखा है उसका मतलब क्या था, आई डोंट नो, वो भी मुझे नहीं समझ में आया, तो पहले तो मुझे वो जेल लगा, फिर मुझे लगा शायद वो उनकी अपनी फैक्ट्री है और उसके वर्कर्स हैं और सब वर्कर्स ये यूनिफॉर्म पहनते होंगे, और शायद वहां पे उसने कहा कि मेरे फादर को एक वो गोली क्या लगी, एक गोली लगने के बाद सारी स्टोरी हुई है जिसमें उसने बदला लेना है, और ऐसे लग रहा है हो सकता है बॉबी डियोल हो जिसने गोली मारी हो क्योंकि उसी के साथ फाइटिंग हो रही थी, पर जो लास्ट का सीन था वो तो बहुत ही इंटेंस था कि वो दोनों लड़ रहे हैं बॉबी और ये रणबीर और रणवीर क्या नाम है इसका रणवीर रणबीर, और वो उसके ऊपर लेट के वो पूरा मतलब मर गया है या बेहोश हो गया है, बॉबी डियोल ऊपर पिरा था, मुझे तो बॉबी डियोल लगा था कि वो ऊपर है, दोनों की तो दाढ़ियां थी पता तो चल रहा था कौन है, वी डोंट नो, मतलब एक अगर एक को नेगेटिव दिखाया तो दूसरे को पॉजिटिव दिखाएंगे, पर दोनों दोनों ही गंदे लग रहे हैं, दोनों ही लड़ाइयां झगड़े कर रहे थे वो वहां पे, उसमें जो जब उन्होंने पता है मैं सर बताऊं जब उन्होंने सिख दिखाए कि सारे सिख उसके साथ है, मैंने कहा कि खालिस्तान तो नहीं ज्वाइन कर लिया कुछ भी एंगल हो सकता है, बट आई एम सेइंग इट इज आउट ऑफ द बॉक्स, मगर क्वालिटी ऑफ द शूटिंग अच्छी थी, क्वालिटी ऑफ एक्टिंग अच्छी थी, क्वालिटी ऑफ कॉस्ट्यूम अच्छे थे, इंटेंसिटी अच्छी थी, इट वाज फाइटिंग है पूरी एक्शन पैक्ड मूवी, इट वाज लुकिंग लाइक इंटेंस मूवी, आप एक मिनट के लिए भी शायद मतलब बिल्कुल बोर नहीं होंगे, मेरे को तो ऐसी लगी है भैया। तो मोस्ट लाइकली जब आएगी आई विल सी दिस बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मूवी, और नॉर्मली मैं धाड़ धाड़ ज्यादा ऐसे ही नहीं बोलता, जो मेरे को मूवी नहीं अच्छी लगती है बोल देता हूँ, बट दिस वन इज लुकिंग लिटिल बिट आउट ऑफ द बॉक्स, इट इज नॉट अ रेगुलर मूवी, वो टिपिकल नहीं, टिपिकल मूवी नहीं है, और इसमें एक्टिंग काफी अच्छी थी अभी तक तो मुझे अच्छी लगी है, मुझे मेरे को जब उन्होंने फादर और सन की रिलेशनशिप का कर रहे थे ना तब मुझे इंटरेस्टिंग लगी, पर जब धूम धड़ाक्का हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली यार एक्शन भैया कईयों को अच्छा लगता है कईयों को नहीं, तब मेरे को थोड़ा वो हो रहा था, पर उसमें वो जो सीन था ना जिसमें वो मुंह पे मास्क पहन के क्या हिरन का मास्क था या क्या वो पहना हुआ था वो सीन था, वो मुझे लगा मैंने कहा इसने क्यों पहना हुआ है ये मास्क, क्यों अडेप्ट किया है डिफरेंट
मूवी से कह सकते हैं, बट स्टिल द वे दे हैव एग्जीक्यूटेड इट, नहीं अच्छा लगा, क्वालिटी हाई थी, बनाने की क्वालिटी हाई थी, देख के हर एक सीन में था. मुझे रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन का वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है कि फादर को क्या गोली लगी है, वो लड़का पागल हो गया है और वो कह रहा है कि जिसने मेरे फादर को गोली मारी है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं. अब किसने मारी है पता नहीं, जहां तक मेरा को लग रहा है वो तो बॉबी डियोल है. पर एक्शन बहुत था, पर एक इसमें फ्लॉ था. फ्लॉ वो था जब वो इतनी बड़ी गन लेके आ जाता है, वो जो यू ऑल्सो सेड ना पहले कि ये क्या है, मैंने कहा ये कहां पे आ गई. बहुत बड़ा डब्बा आता है, अच्छा उस डब्बे के अंदर गन नहीं होती है, जब वो डब्बा खोल रहे होते हैं तो अच्छा। दिखा रहे हैं डब्बे से गन निकली है, पर वो इतनी बड़ी वाली जिसमें वो गाड़ी चला के बैठा कर कर रहा था, मतलब वो मंगवाई है उन लोगों ने. ओ वाह यार, मुझे लगता है लोगों को पसंद आएगी, लड़कों को तो खासकर पसंद आएगी ये मूवी. इट वाज अ गुड वन, स्ट्रांग मूवी है, थोड़ी स्ट्रांग मूवी है, इट इज गुड. हां वो टिपिकल नहीं है, ये उस टाइप से नहीं लग रही थी कि बहुत टिपिकल और उसको सुपर ह्यूमन पावर आ गई और लॉजिक नहीं है. इसमें ऑब्सेशन दिखाया है फादर के, फादर के ऊपर कि फादर मेरे को वो प्यार दे, मुझे प्रेस करे, उसका ऑब्सेशन है. और ऐसे लग रहा है उसकी जो गर्लफ्रेंड होगी या जो है वो भी उसको बता रही है कि भैया तेरा तो ये ऑब्सेशन, ये प्यार नहीं है, ये तो मतलब जिस तरह से तू इतना कर रहा है अपने फादर के लिए, तो वो उसको भी मारने की कोशिश और करता हो सकता है उसको स्किज़ोफ्रेनिया कुछ हो, जो उसे घोस्ट नजर आते हैं वो, उसको कोई मेंटल भी कुछ हो सकता है, मेंटली थोड़ा सरका हुआ है इसलिए उसे चीजें घोष जैसे कह रही है नजर आते हैं. वो कहता नहीं उनको मारता हूँ, समथिंग इज ऑफ विद दैट गाय, बट स्टिल इट इज आउट ऑफ द बॉक्स. हो सकता है थोड़ा मेंटली भी, मेंटल भी वो ऑब्सेशन वाली जो है उसे प्रॉब्लम हो. पर एनिमल उसी इसीलिए लिखा है क्योंकि वो पूरे जानवरों की तरह तो हरकत कर रहा है वो, मतलब जैसे जानवर होते हैं और वो लुक भी वैसी दिए, लंबे बाल दाढ़ी इतनी लंबी और वो एनिमल की तरह है और उसकी हरकतें भी एनिमल की तरह है कि अपनों को जैसे एनिमल करता है ना कि प्रोटेक्शन के लिए किसी को भी मार दूंगा, अपने फैमिली अपने ग्रुप को अपने हर्ड के लिए, तो वो लग रहा है. तो चलो भैया इनको तो पसंद आई है, मेरे को अभी पक्का नहीं. तो आप बताओ आपको कैसी लगी, आप देखने जाओगे कि नहीं देखने जाओगे बताना. भैया इनको पसंद आ गई तो इसका मतलब हम जा सकते हैं. नहीं ऐसे नेसेसरी नहीं है कि अगर किसी को पसंद नहीं है तो मैं जाता नहीं हूँ, मैं तो वेट करता पेशेंट आदमी हूँ, कभी देख लूंगा. मगर मुझे चलो फिर ये ट्रेलर इज लुकिंग गुड. चलो इनको अब अच्छी लगी, क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, क्वालिटी वाइज इज लुकिंग गुड. ऋषि भी देख सकता है इसको तो yeah. ये उसको भी पसंद आएगी. तो चलो आप ही बताना आपको कैसी लगी. तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.